नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के यमुनानगर के एक सरकारी स्कूल में विद्यार्थी के शिखा रखने और तिलक लगाने को लेकर स्कूल के अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्र ने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर विरोध जताया और इस संबंध में हिंदू संगठनों को सूचना दी। मारपीट नहीं कर रही हो, हमें प्रेयर में खड़ा करा था और बोल रहे थे कि हम छोटी को रख रखी है और ऐसे से बोल रहे थे। अच्छा। सभी बोल रहे थे और एक सतीश पंजेटा सर है। क्या बोल रहे थे? ये वो कहते कि छोटी को रख रखी है, कोई पैशन चल रखा है कि तुम छोटी रखोगे और यहाँ स्कूल में आके दिखाओगे। अच्छा। कि छोटी रख रखी है और कुछ बच्चे वैसे रखते हैं ना, तो उनकी वजह से हम जैसे भी बदनाम हो रहे। अच्छा। गुरुकुल में फट के आया मैं तो, गुरु से वचन आता है तो पता ही होगा। हाँ। उसके लिए तो उन जैसे बच्चों की तरह हम भी बदनाम हो रहे उनसे। तो फिर सर तिलक लगाने पे एक मैडम थे, वो भी बोलते थे, उनका ट्रांसफर कर दिया था मैडम ने। छोटी धारा ये सारे बेइज्जती करते ये तो पहले भी खड़ा करा था बहुत दिन पहले, फिर कल फिर खड़ा कर दिया था परसों। कितनी बार हुआ आपके साथ है? मेरे को दो बार, दूसरी बार खड़ा करा था परसों। तो अपने स्कूल प्रिंसिपल को बताया कि ये सब? प्रिंसिपल छुट्टी पे हैं। इससे पहले संस्कृति विद्यालय विद्यालय की तरफ से? हाँ, तो आप चुप रहिए। हाँ सर, आपने बोला ही नहीं बेटे, कल की बात है। दीपक जी, शाम जी को बुला लो। आपने मेरी बात मानिए, सब माफी उस चीज की होती है। आपने माफी मांगी है, इसका मतलब गलती आपसे हुई है। यदि यदि मेरी बात कह रहा हूँ, शब्दों के साथ खेलिए मत। एक बार दे, बार बार मैं आपको पहले ही बैठ कर शब्दों से मत खेलिए। बच्चे के हाथ उठाने की बात नहीं, आप इस बात को आपने बता रहे नहीं, समान रूप से बच्चों को बोला है कि बेटा थोड़ा सा ये दो टीचर है ना, इन्होंने मारा, इन्होंने ये बोलते हैं इनको छोटी धारा। अगर यही नाम बिगाड़ेंगे बच्चे का तो बच्चे का तो पूरा स्कूल छोटी धारा जाएगा। यहाँ भाई साहब बड़े बोले, मैं एक मिनट, ये आपके सामने बोला उन्होंने छोटी धारा बोलते हैं आपको, अभी कोई बात देखिए छोटी पर कैसे हम सब नहीं छोटी धारा अरे आप हमारे बच्चों को मार मार के खाल तार के भूल कर दीजिए, उन्हें गलती पे कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे पेरेंट्स नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप किसी किसी प्लान के तहत आप नहीं तो फिर सिद्ध कीजिए, आपने कल कितने बच्चों को थप्पड़ मार बताइए उनको, जिन्होंने बाल रखे हुए आप बताइए। फिर धमकाया, थप्पड़ पूछ रहे हैं आपसे? भाई साहब जबान सूख रही है ना, पानी बता दो भाई। एक मिनट, एक मिनट,
उनसे गलती हो जाती है, इंसान से हो जाती है, अगर आपसे भी हुई है सुनिए सारा समाज अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप भविष्य में ऐसा ना करे और आप बच्चे से उसके पेरेंट्स को साथ हम सभी को आश्वासन देते हैं। आप किसी भाई को कोई ऐसा अपने विद्यालय की तरफ से हमें लिख के दीजिए, हमारे विद्यालय में आज के बाद ऐसा नहीं। ठीक है सर, लिख के ये तो गर्मी दी आपने लेवल पे कर दिया है, ये किसी बच्चे को लेके किसी टीचर ने जैसे तिलक लगाया हुआ था, और जो हम हिंदू धर्म के अनुसार छोटी वगैरह रखते हैं बच्चे, वो रखी उसके रिगार्डिंग बच्चे को प्रेयर के दौरान उन्होंने टुकाई की है, और शायद कोई धमकाने का मामला भी सामने आया था। तो अभी इनका दोनों का हिंदू धर्म जो संगठन है ये आए हुए स्कूल में, इन्होंने बैठ के उसको टीचर को समझाया है, और हमारे पास अभी इसी रिगार्डिंग कोई लिखित कंप्लेंट अभी नहीं है, और इनका जहाँ तक टीचर को समझा दिया गया है इनका कम्प्रोमाइज अभी हो गया है, इससे कोई स्थिति नहीं है। तो क्या कुछ निकल कर आया कॉम्प्रोमाइज में, क्या स्कूल द्वारा क्या आश्वासन? बस स्कूल द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में अब दोबारा ऐसा, अगर ऐसा हुआ भी है तो भविष्य में ऐसा दोबारा इस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, और ये लिखित रूप में स्कूल की तरफ से आश्वासन दिया गया है। पुलिस अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहेगी इस मामले में? नहीं, हमारे पास ना हो ऐसा, देखिए हमारे पास ऐसा कोई लिखित कंप्लेंट किसी ने नहीं दी है, ना ही उसके पेरेंट्स ने दिए, ना ही कोई हिंदू संगठन की तरफ से है। फिर बीच में जो मैटर था वो इनको आपस में बैठ कर कम्प्रोमाइज हुआ है, अगर इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट हमारे पास आएगी जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नहीं, हम मौके पे आए हैं, हमें ऐसा कोई संज्ञा अपराध वाली जैसी कोई स्थिति सामने नहीं है, अभी अभी बैठे हैं अपने नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता भी है तो ये फिर शिक्षा विभाग की तरफ से होगा तो कार्रवाई होगी। क्या नाम है? सुमन प्रजापति। क्या मामला हुआ था आपके बच्चे के साथ? बच्चे के पास साथ में चोटी और तिलक को लेके उसके ऊपर मार पिटाई हुई थी। हमने ऑप्शन उठाया था जी, इस तरह की हरकत ना बच्चे के साथ ना हो दोबारा। तो पहले भी हुई थी कभी ऐसे? जी, 3-4 बार हो चुकी है। तो इससे पहले आए आप स्कूल? जी पहले स्कूल नहीं आए, हमारे संघ वाले आए, जो अभी तिलक शाखा के हमारे संघ वाले हैं आरएसएस की, वो आए। बातचीत हुई है क्या? कुछ निकला? तब उन्होंने आश्वासन दिया था, प्रिंसिपल मैम ने आश्वासन हमें दिया था कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तब भी वो परसों ऐसा हुआ बच्चे के साथ। जो चोटी रख रहा है वो गुरुकुल से शिक्षा लेकर आया तभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो वैसे अगर वो गुरुकुल से भी ना आता तब भी उसका मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है, होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सब बच्चों के होना चाहिए, शिखा भी रखनी चाहिए, उनको तिलक भी लगाना चाहिए, वो हिंदू है। जब सब अपने धर्म का अपने धर्म से चलते हैं, हम क्यों ना चले? कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? हम तो कार्रवाई यही चाहते हैं कि जी बस जो बच्चों के साथ ऐसा हुआ ना दुर्व्यवहार, ऐसा दोबारा ना हो, और अच्छे से वे खुद भी प्रेरित हो और बच्चों को भी प्रेरित करें इन चीजों के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।